Hello and welcome to the Invirex Solar Energy Pitch Side Show. And I've got a very, very special guest next to me, of course, Bharat Khan, and the coach of Pakistan cricket team, Saqlain Mushtaq. Saki bhai, ye batai ke Imam Al Haq ki jo wicket thi, uski timing shayad thodi si hogi, but achhi ek partnership develop ho rahi thi. To overall, pehle batai, match ki situation ko aap kaise dekhte hain? वाकई सिचुएशन जिस जगह पे वो आउट हुआ है वो तो अच्छी नहीं थी। पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इमाम उल हक सुबह हॉस्पिटल में था, उसकी MRI स्कैन करवाया गया, हैमस्ट्रिंग थोड़ा काफ़ी टाइट था, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइट था, इश्यूज थे। बट जिस किस्म की उसने करेज आज शो की है और जिस तरह की कॉन्फिडेंस उसने दिखाया और ख़ुद आके मुझे कहा कि सैकी भाई मैं खुद जाऊँगा बैटिंग करने के लिए हॉस्पिटल से आते ही, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे ड्रेसिंग रूम में करेज और कॉन्फिडेंस लेके आया। और उसके बाद जो उसने नॉक किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए, आई थिंक ये जो जैसे मैंने पहले कहा करेज और कॉन्फिडेंस लेके आया, ये कुछ स्पेशल इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है ये कल ये टीम कुछ कुछ स्पेशल करेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि साउथ शकील हैज़ बीन वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द पाकिस्तान साइड, पिछले मैच में भी उन्होंने स्कोर किया था, इस मैच में भी किया था, खुशी होती है देख के क्योंकि वो डोमेस्टिक के एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुके हुए हैं। तो आपका क्या मैसेज, यू नो व्हेन यू सी हिम डू वेल, कोई क्या आपकी टिप्स होती हैं या क्या क्या बात क्या गुफ्तगू होती है आपकी उसके साथ? देखें पहले तो थैंक्स टू PCB के डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको वो खेला और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल के आया, परफॉर्मेंस दी, उसने नॉक कर रहा था पहले भी, आई थिंक बड़ा कॉम्पैक्ट कंपोज है, बड़ा काम है और गेम को काफ़ी रीड करता है, रन्स बनाने आ रहे हैं जिस तरह उसकी अगर आप बैटिंग को देखा जाए ओवरऑल रन्स कैसे चुराने हैं ढूंढने, तो वो उसने जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी उसको वो जो है वो रेप्लिका कर रहा है, अल्लाह करे कल भी जाए और अच्छा करे। बहुत ही अच्छा लगता है कोई यंगस्टर आगे परफॉर्मेंस दे रहा है। एक और चीज़ इंग्लैंड की तरफ से जो हम बैट्स बॉल की बात करते हैं कि उनकी अप्रोच ऐसी है, यू नो दे रियली गो आफ्टर द बॉलर्स, देयर बैटिंग इज लाइक दैट, पर उनकी अप्रोच ही ऐसी है। पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली एक अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग है, तो आप जब बात कर रहे होते हैं कि एक टारगेट को अप्रोच करना है तो आप फिर क्या कहते हैं? देखें जैसे बेसबॉल आप बात कर रहे हैं, आई थिंक इन्होंने सबने बैठ के इसके ऊपर, इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत बात की होगी, इसके ऊपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे, सबने डाइजेस्ट किया होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने इसको इस तरह ट्राई करना है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी नहीं है, बहरहाल अगर वो खाली आया और उसने कहा ऐसे करना है वो कर रहे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स बाद में वक्त के साथ आएंगे, वो नई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं वो करते रहें, वो उनका अंदाज़ है। हमारे पास यंगस्टर्स हैं, अभी देखा जाए तो मैं अभी बाजिद को यही कह रहा था कि हमारे टेस्ट कितने हैं टोटल और उनके टेस्ट कितने हैं टोटल, तो हमारे पास ये जो लड़के खेल के आ रहे हैं आई थिंक 124 हमारे टोटल टेस्ट मैचेस हैं ये जो ये टीम खेल रही है, और उनके 535 हैं या 40 हैं, तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है अभी ना, तो हम एकदम ओवरनाइट अपनी पूरी गेम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह लड़कों ने परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस अंदाज से खेल के आ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ओवरनाइट एकदम आके जनाब वो गेम को चेंज कर दें, वो सारे यंग लड़के हैं, तो आई थिंक वो उनके लिए काम कर रही है, ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है, हम गेम के अंदर हैं। पिछले मैच में भी हम लोग थोड़े से अनलकी रहे और हम लोगों को बहुत दफ़ा ऐसा फील हुआ कि हम ये गेम को ले जाएंगे और जीत जाएंगे, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ, सम हाउ दी अदर जो रिजल्ट आता है वो लगता ऐसा नहीं है कि भाई एक ही साइड पे हो गया, बट हमें फील होता है हमने हमारी कैलकुलेशन ये कह रही थी कि पिछले टेस्ट मैच में भी हम लोग मैच जीत सकते थे, हमने कुछ बड़ी गलतियाँ की, छोटी नहीं बड़ी गलतियाँ की, और इस मैच में भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने अंदाज से, उनके जो उनका जो गेम है उसको हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं, कल का दिन स्पेशल है और इंशाल्लाह उम्मीद है हम अपने अंदाज से अच्छे रिजल्ट पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल कल का गेम आपने कहा स्पेशल है, ओवरऑल अगर आप इस कंडीशंस को देखें इस टेस्ट मैच में तो हमें ऐसा लगा कि पहले दिन ज़्यादा स्पिन हो रहा था, ज़्यादा बाइट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाई डाउन कर गया है। शायद आज बैटिंग बहुत अच्छी हुई लेकिन लगा ऐसे कि शायद पिच बैटिंग के लिए बेहतर होता गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 100%, और आज बल्कि क्लियर मैसेज था कैप्टन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी इन द मॉर्निंग कि भाई विकेट जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है, बल्कि कल भी बहुत अच्छा खेल रहा था विकेट, डे वन में टर्न ज़्यादा था, तो इंशाल्लाह कल भी जो है हैवी रोल लेंगे हम और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और डाई डाउन करें। कुछ एक हमने जो डिसमिसल देखा था बाबर का जब वो बॉल क्रैक को हिट की थी और अंदर आई थी, तो
यू नो एक रिवर्स स्विंग कभी पिछले मैच में, पिछले जो पिंडी में जो मैच हुआ था, वी सॉ दैट इन टू प्ले. सो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं टू काउंटर दैट, बिकॉज वी विल गेट टू सी इट इन प्ले. देखिए कल जो है ना 15-16 ओवर नए गेंद से पहले वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं. जो पिछले मैच में रिवर्स स्विंग हुआ वो गेंद बहुत अच्छा था, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है. आई थिंक कल के 15 जो ओवर्स है ना ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. उस तरह का रिवर्स स्विंग मेरा ख्याल है कि नहीं होने वाला, और चीज़ें जो है ना वो पहले कल का जो एक घंटा डेढ़ है ना वो हमारे हमें काफ़ी फेवर देगा इंशाल्लाह. और लगा ऐसे ही जो 3 विकेट उन्होंने ली वो ज़्यादा गेंद पिच से पढ़ के हुआ है, ऐसे हवा में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे बाबर का और रिजी का तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल हो गया, वो दुनिया के किसी भी बैट्समैन को गेंद करता तो मैं ये समझता हूँ वो खा ही जाता उसको. तो एक ही आउट हुआ है वो जो आई थिंक. अच्छा एक पॉइंट था जब पहली इनिंग्स में कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स थे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि लग रहा था कि शायद अब पाकिस्तान जो है एक टाइम पे लीड हासिल कर सकेगा. सो ये जो की मोमेंट्स हैं टीम के काफ़ी आए हैं सीरीज में वेयर दे थॉट के दे माइट बी डोमिनेटिंग द पोजीशन, बट वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आई. तो वो क्या रीज़न है आपके मुताबिक? आप लड़कों के साथ होते हैं, आपने उनको देखा भी है, इज़ इट इनएक्सपीरियंस या कहेंगे कि थोड़ी सी यू नो अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है. मैंने भी बताया था कि हमारे ये जो इस ग्रुप के अंदर है 124 टेस्ट मैचेज हैं और उनके 550 और डोमेस्टिक क्रिकेट वो कितनी लंबी चौड़ी खेल के आ रहे होते हैं. तो थोड़ा सा क्योंकि ये यंग है, शायद उसकी वजह से भी है, शायद नहीं बल्कि मैं कन्विक्शन के साथ कहूँगा ये उसकी वजह से भी है, बट इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. ये किसी वक्त भी कुछ कोई भी चीज़ कर सकते हैं और आई थिंक उन्होंने डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेली है. हमारा डिसिप्लिन का थोड़ा सा इशू है, हम डिसिप्लिन के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे. टेक्टिकली भी वो थोड़े बेहतर हैं, डिसिप्लिन और टेक्टिकली ये दोनों की चीज़ें हैं. बाकी बेसबॉल जो है ना वो इतना काम नहीं, मैं ये समझता हूँ वो इतना वो नहीं है कि जो हमें डैमेज कर रहा है, क्योंकि अगर एज ए बॉलर आप बॉलिंग खेल रहे होते हो, एज ए बॉलर बॉल कर रहे होते हो और बैट्समैन आपको इस तरह की शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, अगर आप टेक्टिकली स्ट्रांग हैं और आप डिसिप्लिन हैं तो आप बहुत ज़्यादा गेम के अंदर हैं. अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर बेसबॉल थोड़ा सा काम कर जाता है. हाँ सवाल फिर यही बनता है जो मुश्किल सवाल है, काफ़ी मतलब मोस्टली टीम्स में कोलैप्स होते ही हैं, लेकिन जब कोलैप्स हो रहा होता है तो उसको रोकना कैसे है? ये मतलब मैंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में हर जगह कोलैप्स होता है, लेकिन उस सिचुएशन में कैसे एक हेड कोच कैसे इनपुट दे सकता है कि काम किया जाए या कोलैप्स रोका जाए? देखें जब कोलैप्स आते हैं ओबियसली वो प्रेशर की वजह से आता है और प्रेशर डिसिप्लिन की वजह से आता है. जैसे इंग्लैंड अगर बॉलिंग कर रहा है वो डिसिप्लिन है और टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, प्रेशर आ गया, अब आपको प्रेशर को ब्रेक करना होता है. या तो आप प्रेशर को ब्रेक करेंगे या उस प्रेशर मोमेंट में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसकी जो एनर्जी आपको उसकी एनर्जी को ख़त्म करना होता है. तो अगर आप एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं तो उस वक्त आप प्रेशर को ना सोचें, आपकी जो मर्जी जो दिल के अंदर आ रहा है आपका ब्रेन और हार्ट ये एक पेज पे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. या तो आप उसको थका दो या फिर आप प्रेशर को ब्रेक कर दो. ये दो सॉल्यूशंस होते हैं. तो हमारी तरफ से मेरी तरफ से क्लियर मैसेज होता है, इवन यूसुफ की तरफ से भी है, कि अगर आप ये समझते हो कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो डिसिप्लिन है और टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो अब आप पे ये है कि आप उस प्रेशर को ब्रेक करना चाहते हो, आपको इजाज़त है जैसे मर्जी ब्रेक करो, बाउंड्री मार के ब्रेक करना है या सिंगल्स करके ब्रेक करना है. और अगर आपको नहीं मिल रही है और आप इधर या उसकी जो एनर्जी बैटरी है उसको बिल्कुल डाई डाउन कर दो, ताकि उसका जब अगला स्पेल आए सम हाउ दी अदर, पिछले टेस्ट मैच में नहीं हो पाया, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़के कर पाए हैं और काफ़ी हद तक है. कल का नया दिन है, नए गेंद से पहले का सेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन लड़कों को कल का जो पहला सेशन है उसके ऊपर डोमिनेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह. यानी कुदरत का निज़ाम नजर आएगा हमें, कुदरत का इंतकाम भी है. आज मैंने पढ़ा है कि कुदरत का इंतकाम और कुदरत का निजाम ये बहुत मशहूर हो चुके हैं. जल्दी से बता दें जाते जाते, आपने ऑब्वियसली टीम के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा रहा है अभी तक आपके कोचिंग करियर का विद द टीम, और सबसे बुरा कौन सा रहा है? देखिए मैं इसको ड्रेसिंग रूम में मैं अक्सर जब से मैंने इनको ज्वाइन किया मैंने कहा यहाँ आप जीतते हो या सीखते हो, तो बुरा मोमेंट कोई नहीं होता. जब भी कोई टफ टाइम आता है वो आपको कुछ सिखाता है अगर आप सीखना चाहो तो, एज ए कोच भी.
और मैं अपने इन प्लेयर्स को भी यही कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ टीम है ये सीखने के लिए आई है और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई है। जो आपको चाहिए आप हमें बताओ और हम सीखते चले जाएंगे, आपकी खिदमत करते चले जाएंगे। जिम्बाब्वे वाला बुरा मोमेंट था, जवाब भी उन्होंने दिया। सीखा उससे, सीखा। हाँ, आप सीखते हो। अगर आप कहोगे यार ये मोमेंट अच्छे नहीं थे तो आप की सोच किसी और तरफ चली जाती है। अगर आप कहेंगे नहीं मैंने सीखना है, सीखा, तो आप सीखते रहते हैं। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस इज व्हाट यू आर सेइंग, बट थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स। ऑफ कोर्स टुमारो इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान एंड दे विल बी लुकिंग टू विन दिस एंड बेसिकली लेवल द सीरीज विद इंग्लैंड। ऑन दैट नोट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर एंड वी विल बी बैक जस्ट इन अ बिट विद अ न्यू गेस्ट।